स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12, जिसमें हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को मैनेज करता है, एंड मैनेजमेंट क्रिएट्स एज वेल एज मेंटेन द बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द सेम गोल। मैनेजमेंट में मेनली 5 M होते हैं। सबसे पहले होता है मैन। चाहे बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट ह्यूमन फोर्स ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। देन सेकंड इज मनी। बिना पैसों के ऑर्गेनाइजेशन में काम हो ही नहीं सकता। मशीनरी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से इक्विपमेंट्स, टूल्स या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और अप टू डेट मशीनरी भी होनी चाहिए। मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसा यूज हो रहा है। अगर तो अच्छा यूज हो रहा है तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही होंगे, अगर अच्छा यूज नहीं हो रहा तो एंड में रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। देन लास्ट वन इज मेथड। ऑर्गेनाइजेशन के मेथड में आता है कि कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, या कौन सी पॉलिसीज यूज हो रही है, क्या रूल्स हैं उनके, क्या रेगुलेशंस हैं उनके, ये सारी चीजें किस में आती है? मेथड में। नाउ फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो वहां पे भी यही 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय हेनरी फ्योल आर एप्लीकेबल। चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, जैसे कि बिजनेस होते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे NGOs होते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। Then second point is management is goal oriented. कोई भी organization जब setup होती है तो उसका एक predetermined objective होता है कि उसने अपनी organization start क्यों की है, और उस objective को पूरा करने के लिए management help करती है। Third point is management is a continuous process. It means management is an ongoing process as long as the organization exists. जब तक organization है तब तक मैनेजमेंट भी रहेगी। एंड इट रिक्वायर्स इन एवरी स्फीयर ऑफ बिजनेस, वेदर इन प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और मार्केटिंग। देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है यहाँ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के साथ साथ, प्रोसेस के साथ साथ, ऑपरेशंस के साथ साथ पीपल को भी मैनेज करती है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, नीड्स हो सकते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को विद डिफरेंट मोटिव ज्वाइन करते हैं, बट आफ्टर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर अचीविंग द सेम गोल। चाहे उनका मोटिव अलग होता है बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उन सबका सेम गोल होता है। नाउ मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंजेस लाना, और मैनेजमेंट में कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, चाहे फिर वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एनी ऑफ द फैक्टर विल अफेक्ट द बिजनेस ग्रो। इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक होना चाहिए कि जैसी भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी सिचुएशन हो, वो उसी हिसाब से चेंजेस लाए। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब है जिसे ना हम देख सकते हैं और ना हाथ लगा सकते हैं। अब मैनेजमेंट कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसे हम हाथ लगाएंगे और देखेंगे, बट मैनेजमेंट कैन बी सीन थ्रू द रिजल्ट्स। नाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का मतलब है थियोरेटिकल नॉलेज, जो हम थ्योरी स्टडी करते हैं, और साइंस का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैट नॉलेज जो हमने थ्योरी में पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहीं पे पढ़ा है कि ए और बी दो केमिकल्स हैं, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो ब्लैक कलर बनेगा, लेकिन ये चीज हमने सिर्फ पढ़ी है इसलिए ये आर्ट है। लेकिन अगर हम इसी चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम खुद से ए और बी को मिला के ब्लैक कलर बनता हुआ देखेंगे, उसे हम कहेंगे साइंस। जैसे थ्योरी में बेसिक 14 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ मैनेजमेंट, जब तक हम उन 14 प्रिंसिपल्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं करेंगे तो हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट एज वेल एज साइंस बोला है कि जो चीजें हम पढ़ते हैं उन्हें हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना भी आना चाहिए। तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ
मैनेजमेंट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।